होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। हो चुकी है मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ, और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अगस्त महीने से। तो दोस्तों आज इधर का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, आज इधर चारों ओर धूप लगी हुई है और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं कल रात से तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई है, इधर बारिश भी नहीं हो रही है। थोड़ा बारिश हो जाती तो गर्मी थोड़ा कंट्रोल में आ जाती है। और वैसे सामने बह रही है हमारी मंदाकिनी नदी, जिसमें कि एकदम ठंडा पानी रहता है, पर उसकी भी यहाँ तक कोई वो नहीं है, मतलब उसकी ठंडक भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों के इधर कितनी गर्मी हो रही है कल से। बाकी इधर तो सब लोग गर्मी से तड़प ही रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम और खड़ी हो चुकी है, ये देखो अनु की आँख, अनु उस साइड को देख, ये देखिए इसकी आँख की हालत कुछ इस तरह से हो गया है। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह तक तो थोड़ा कम कम था, अभी ज़्यादा हो गया है। तो कल तो हॉस्पिटल दिखा नहीं है इसको। खैर मेरे को दर्द होता था यहाँ पे, आँख में दर्द भी हो रहा है, उसके बाद भी इसके नखरे कम नहीं होते हैं। अब क्या करें, इतनी शैतान है कि क्या बोले। तो वैसे आजकल ये आँखों का ये तो चल ही रहा है लगभग सभी जगह। का नाम है शायद कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू। तो ये आजकल मतलब सभी जगह फैल रखा है। इसके बारे में काफ़ी वो भी सुना है मैंने कि इसमें आँख की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पर वैसे मेरे पे भी हुआ था, पहले मेरी ये वाली आँख पे हुआ था, फिर ये वाली आँख पे, पर इतना भयंकर नहीं हुआ था जितना भयंकर अनु पे हुआ। तो मेरा तो अपने आप ही ठीक हो गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा बहुत स्वेलिंग आई और उसके बाद ठीक हो गया था, लेकिन इस लड़की का तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। आज हमने बच्चा, अब ये स्कूल भी नहीं जा पाई कुछ दिन जब तक ये ठीक नहीं हुआ। घर में ही मेरा दिमाग खाई गई है। अब इसकी आँख की मुझे कम टेंशन हो रही, इसकी घर में रहने की ज़्यादा टेंशन हो रही मुझे, क्योंकि ये दिन भर तो मेरा दिमाग खा खा के पूरा हाल कर देगी मेरा, है ना। स्कूल जाएगी तो जाएगी यार। और वैसे ऐसी स्थिति में स्कूल भेजना भी सही नहीं है, क्योंकि ये तो और बच्चों पर भी फैल सकता है, इसलिए इसको हम घर पर ही रखेंगे फिलहाल। दोस्तों आप भी अपना ध्यान रखिए और इस वायरस से बचने का प्रयास कीजिए। वैसे इसका तो कोई पता नहीं चल रहा है कि ये कब हो जाए क्या हो जाए, क्योंकि मेरे पे तो ऐसे ही हुआ। मुझे लगा ऐसे ही कुछ क्या बोलते हैं आँखों पे होता है, जो गढ़वाली में अंगड़िया बोलते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मेरी आँखों पे वो हो रहा, लेकिन वो नहीं था। ये ऐसे ही थोड़ा रेड रेस आई थी आँखों पर और थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आई थी, उसके बाद अपने आप ही ठीक हो गया था। आज ये खेलने भी नहीं जा रही है मेरे साथ बैठ के यहाँ पे। इस आईफ्लू ने मेरी चटकती फटकती इस लड़की को ऐसे लिटा दिया है मम्मी की गोदी में। बस एक जगह पे नहीं रहती है, बस भटकती रहती है, भटकती आत्माएं। पर आज इसकी आँख की वजह से ये देखो कैसा लग रहा है, आज ये कहीं नहीं जा रही है, मेरे साथ बैठ हुई है यहाँ पे। देखो बस तो मेरे नज़दीक नहीं भटकती है ये, पर आज इसकी तबीयत खराब हो रही है इसलिए मेरे नज़दीक आ रही है। अभी कहते हैं कि दुख में सबसे पहले माँ ही याद आती है। तो दोस्तों आज है डॉली का बर्थडे। डॉली को अक्सर आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, वो है जेठानी जी की भतीजी, यानी कि मेरी भी भतीजी लगती है। तो सुबह से मैं उसको विश नहीं कर पाई क्योंकि वो स्कूल चली गई थी। सुबह तो मुझे मिली नहीं, सुबह मुझे याद भी नहीं रहा, फिर उसके बाद जब याद आया तब तक वो स्कूल चली गई थी, और उसके बाद दिन में तो मैं जा नहीं पाई उधर। तो अभी चलती हूँ मैं और डॉली को करती हूँ बर्थडे विश। क्या कर रही है यहाँ पे? तो चलती हूँ मैं अंदर और डॉली पता नहीं कहाँ होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कहाँ है पार्टी? आज रात करेंगे दारू पार्टी। दारू भी पियेंगे हम आज? दारू तो बियर। दारू नहीं पीते हम, हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, कोको कोला, दारू की तरह दिखता है वो पियेंगे हम, है ना। और अल यहाँ से कितने साल की हुई? तो 16 यार, 16 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 16 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। पुटकी। और मेरी पुटकी को यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, देखो इसकी पोजीशन गुस्से में।
गुस्से में ये और भी क्यूट दिखती है। पूरा गुस्सा जो मंतर मैं एक झप्पी देती हूँ ना उसको, तो उसका पूरा गुस्सा हो जाता है। मम्मी को प्यार करो, हाय करो, अक्षु प्रणाम, प्रणाम, जय जय, बाय बाय दोस्तों, बाय दोस्तों। यहाँ बोलना नहीं आता इसको अभी, इसलिए ये बोल नहीं पा रही है। डॉली को पूछते हैं आंस को कैसा लग रहा है। डॉली डॉली कैसा लग रहा तुझे आंस? उसे शर्म लग रही है इसको आज। बर्थडे के दिन शर्म लगती है क्योंकि मैं आज तक कभी केक नहीं काटा, एक ही दिन काटती हूं। तो तुझे घर की याद भी आ रही है आज? हाँ, थोड़ा-थोड़ा। कितने? थोड़ा-थोड़ा। अरे राम, अब ये इसका घर है। इसका ससुराल भी हम इधर ही करेंगे ना। हाँ। तो इसको आदत बन चुकी है अब इधर रहने की। कितना टाइम हुआ तुझे यहाँ? महीना। और चिंकू तुझे कैसा लग रहा है? डॉली का बर्थडे है, मेरे को तो मस्त बजा रहा पड़ी है केक। खाने को मिल जाएगा केक, है ना? ना, मैं केक खाती हूं। भैया हमारा तो यही है कि बस केक खाने को मिल जाता है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल जाता है है ना। और अब तो बर्थडे की बहुत छा रहे हैं, कंटिन्यू हर महीने बर्थडे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन चार पता नहीं कितने बर्थडे आते हैं एक महीने में। सारे मोहल्ले के बच्चे मुझे लग रहे इस बरसात के मौसम में पैदा हुए थे सारे। तेरा बर्थडे कब है? दवाई पी रही है देखो पागल हो गई। तेरा बर्थडे कब है? फूट गई सर। इस सबसे लास्ट में इसी का बर्थडे आता है और सबसे फर्स्ट में अनु का बर्थडे आता है। शाम की बज चुकी है 6 और हमारे के यहाँ अभी छत पे घूमने के लिए, पर हवा कहीं से बिल्कुल भी नहीं आ रही है। गर्मी से पूरे हाल हो रही है। सालू खेल रही है यहाँ पे, बाकी लोग सारे उधर पे बैठ चुके हैं। सबके गर्मी से पूरे हाल हो रखे हैं। पूछते हैं सबसे कि कैसा लग रहा उन्हें आज का मौसम। ये देखो इस मोटे को नहीं लग रही है बिल्कुल भी नहीं गर्मी। आपको भी लग रही? क्यों नहीं लग रही? पसीना, गर्मी, क्या बोलें। सांडे, आप ना बोल रहे। क्या बोल रहे तू? करके सिखा। ऐसे ऐसे करके सिखा। हमें भी सिखाओ क्या बोलना है। सिखा दो। क्या? आप दिखा दो अपनी ऐसे बोल मेरे अंदर ऐसे हो रही है। मैं दिखा रही। दिखा दो। अनु बोले कि ऐसे ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, पता नहीं कैसे बोलना है मुझे भी नहीं पता। अनु कैसे बोलना है मुझे भी सिखा। इधर आ, इधर आ, कैसे बोलना है। इस पर पसीना आ रहा है। मैं यहाँ पर सालों का चल रहा है फुटबॉल। क्या है तुम्हारा नाम? सालू। सालू नहीं चालू है, ये बहुत चालू है। तेरे पापा का नाम? क्या बताया था मैंने परसों? शेरू, मम्मी, ये मिल बॉल चुरा के ले गई। सालू दे दे उसके बॉल। शेरू, शेरू को हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी। अरे जानवर है क्या करे, बोल भी नहीं सकते। शेरू गर्मी लग रही। ये देखो शेरू ऐसा है तो सुंदर। इसने भी लगा रखी। आदि भी आ चुका है और बोल रहा है मामी जी मेरी वीडियो बनाओ। तो आदि तो आदि अपने दांत दिखा। और ये क्या लगा रखा तूने? मैंने वो लगा रखा कोयले का और चूर बना के। आप भाषा में बोलना, बंगरुआ भाषा में बोल बोल। मैंने ये लगा। अरे गढ़वाली में बोल, गढ़वाली में बोल। मैं फूटी थे इसने भी लगा रखा है। Happy birthday to you.